प्रयागराज के शंकरगढ़ बाजार से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शंकरगढ़ बाजार से अपहृत किशोर का शव बरगढ़ थाना के अरवारी जंगल में मिला है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक किशोर की बेरहमी से पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। अरवारी जंगल प्रयागराज जनपद से एकदम सटा हुआ है। किशोर का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। शंकरगढ़ के सदर बाजार निवासी पुष्पराज केसरवानी का बेटा 14 वर्षीय शुभ केसरवानी शनिवार शाम को लगभग 4 बजे घर से निकला था। रात लगभग 8 बजे पुष्पराज के फोन पर अपहरण और फिरौती के लिए कॉल आई। अपहरणकर्ता ने कहा कि तुम्हारा बेटा शुभ मेरे कब्जे में है, पास के धबूरा जंगल में 15 लाख रुपए लेकर आ जाओ। पुलिस की बताया तो बेटे को गोली मार देंगे। शुभम के पिता ने बेटे को छुड़ाने के लिए पैसे का इंतजाम भी शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी जानकारी जब पड़ोस में रहने वाले भाजपा नेता को मिली तो उन्होंने स्थानीय पुलिस थाना अध्यक्ष मनोज सिंह को इसकी जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और शुभ के सकुशल रिहाई के लिए प्रयास कर रही थी। अपहरणकर्ताओं की लोकेशन जनपद सीमा के ढबोरा और बरगढ़ जंगल में मिली थी, जिस पर प्रयागराज पुलिस ने बरगढ़ थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह से भी संपर्क किया था और हाईवे पर नाकेबंदी कराई थी। रविवार की सुबह चरवाहों ने देखा कि अरवरी के जंगल में किशोर का शव पड़ा है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी अंजनी कुमार के मुताबिक प्रथम दृष्टया किशोर की हत्या पत्थर से कुचल कर की गई लगती है। बच्चे के चेहरे और सिर पर चोट के निशान है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। घटना स्थल पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और जांच जारी है। पुलिस द्वारा तत्काल जांच शुरू की। पुलिस और अपराधियों से मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने इलाज के लिए भर्ती कराया। प्रयागराज बच्ची के अपहरण के बाद हत्या का मामला। ट्रक ड्राइवर का भाई निकला मुख्य आरोपी। साथी संजय और भतीजा गणेश ने मिलकर वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल। 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस व 2 मोटरसाइकिल बरामद। 1 सिपाही हुआ घायल। शंकरगढ़ इलाके में हुई मुठभेड़। वंदे भारत से मनीष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। कस्बा व थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत पुष्पराज केसरवानी एक वहां पे दुकान करते हैं। उनके पुत्र शुभ को कल उनके एक ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है उनका भाई और उसका भतीजा और रिश्तेदार ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कह के उसको अपने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इन लोगों ने बाद में एक कॉल मिला दिया और कॉल मिलाकर इन लोगों ने एक रैंसम मनी की बात की। इसमें जब विवेचना चली क्योंकि पहला जो उनके द्वारा कॉल था वो 8:15 के आसपास था जो रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया। 2 कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए परिवार। बाद में उन्होंने कॉल बैक किया तो देर से कॉल बैक करने के बाद उन्होंने ये बात कही और फ़ोन काट दिया। तो इस पे फिर उसके बाद पुनः कोई कॉल दोबारा नहीं किया उन्होंने। इसकी टेक्निकल एनालिसिस और अन्य सूत्रों से जानकारी करते करते फिर जो व्यक्ति है गणेश इस तक पहुँचे और गणेश के साथ में मिलके रात भर कॉम्बिंग हुई। फिर इनकी निशानदेही पे ही यहाँ बरगढ़ का जंगल जो जनपद चित्रकूट में पड़ता है वहाँ पे शुभ की बॉडी मिली। इस गणेश के द्वारा बताया गया कि जो 2 मेन अभियुक्त हैं वो शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पर छुपे हुए हैं और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की टीम्स के द्वारा इस जगह की घेराबंदी की गई और इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें इनके द्वारा पुलिस की टीम्स पे फायरिंग की गई। जवाबी बचावी कार्रवाई में अपने को बचाने की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स ने जो फायर किया उसमें इन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है जिन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। मुठभेड़ में 1 सिपाही हैं सागर देवरिया शंकरगढ़ थाने के, वो भी चोट लगी है उनके। और इनके पास से 2 पिस्टल्स 4 कारतूस